नमस्कार, आइए हम शुरू करते हैं अपनी नक्षत्र ज्ञान श्रृंखला। तो आज का नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमने देखा होगा कि हमारे पूरे जोडियक में पूरे नक्षत्रों की जो 360 डिग्री का हमारा भचक्र बनता है उसमें 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें पूर्वा और उत्तरा लगा हुआ है, और जो उत्तरा है वो पूर्वा के जस्ट बाद में आता है। तो इसका कारण क्या होगा? इसका कारण यह है कि जब भी हमारे शास्त्रकारों ने आसमान में इन नक्षत्रों का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि कुछ जगहों पर नक्षत्रों का जो क्लस्टर है, जो तारों का समूह है, वो ज़्यादा है और धीमे 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 कम होता है और फिर पुनः वो आगे को बढ़ता है। तो ऐसा इन्होंने पाया कि कुल मिला के 6 नक्षत्रों में ऐसी स्थिति बनती है, जैसे पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद। तो इसी प्रकार पूर्वा फाल्गुनी के शुरुआत में जो तारों का समूह है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और धीमे धीमे वो कम होता चला जाता है, जैसे जैसे वो नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट की समाप्ति पे आता है, और पुनः फिर उसके बाद वो तारों का समूह धीमे 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 ग्रेजुअली बढ़ता है और उत्तरा फाल्गुनी के अंत डिग्री तक आते आते वो तारों का समूह हमें थोड़ा सा सघन या डेंस दिखाई देता है। तो इस वजह से इसको हमने पूर्वा और उत्तरा दो भागों में बांट दिया। तो आइए अब हम लौटते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की जानकारी के विषय में। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो शेप आसमान में बनता है वो एक आरामदेह कुर्सी की तरह बनता है, एक ऐसी कुर्सी, एक ऐसी चौकी जिस पे आप टेक लगा सकते हैं। पूर्वा फाल्गुनी में हमने देखा था कि एक ऐसी चौकी या कुर्सी हुआ करती थी जिसमें हम टेक नहीं लगा सकते। तो उत्तरा फाल्गुनी में क्योंकि हम एक टेक लगा सकते हैं तो ऐसे लोग थोड़ा सा आराम पसंद होते हैं, लेकिन वो अपने गोल्स को पाने के लिए मेहनत करते हैं, उसके प्रति सजग रहते हैं और एफर्ट्स डालते हैं, जो कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों में नहीं था। पूर्वा फाल्गुनी के नक्षत्र के लोग अपने गोल्स को बहुत इजीली बिना कुछ किए पाना चाहते थे, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों में थोड़ा सा मेहनत करने का मादा पाया जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो पूर्वा फाल्गुनी का एक पॉजिटिव साइड है। इसके अलावा क्योंकि ये लोग अपने गोल्स के प्रति सजग रहते हैं तो इनका दिमाग चलता रहता है। बाहर से भले ही ये आपको बहुत ही रिलैक्स दिखाई दें, स्ट्रेस फ्री दिखाई दें, लेकिन अंदर ही अंदर इनके मन में योजनाएं बनती रहती हैं। ये उसको कैसे एग्जीक्यूट करना इस बारे में सोचते रहते हैं, या यूं कहें कि इनकी स्ट्रेस मैनेजिंग कैपेसिटी पूर्वा फाल्गुनी अन्य नक्षत्रों की अपेक्षा काफ़ी अच्छी होती है। ये लोग जो मिल जाए उसमें संतुष्ट नहीं होते, ये लोग किस्मत के भरोसे नहीं रहते, ये मेहनत करते हैं, प्लान करते हैं, और अंततः अगर इनका नक्षत्र शुभ प्रभाव में है तो अपने उन एम्बिशंस और एस्पिरेशंस को ये लोग पा के रहते हैं। अब क्योंकि इसका जो शेप है वो एक सोफे या एक आरामदेह कुर्सी की तरह है तो इनको बहुत ज़्यादा देर खड़े रहने में दिक्कत होती है। अगर इन्हें कहीं लाइन में लगना पड़ जाए तो ये बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। कोई बात करेंगे तो आराम से बैठ कर तसल्ली से करेंगे। आपने देखा होगा बहुत लोगों को जो जब भी वो डिस्कशन करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में तो यही कहते हुए पाए जाते हैं, चलिए आइए बैठ के बात करते हैं। तो इनको बैठ करके काम करने में ज़्यादा सहूलियत महसूस होती है। तो इसी प्रकार से कई लेडीज़ हैं जो सब्जी भी काटेंगी तो बैठ के काटेंगी, टीवी के सामने बैठ के आराम से तसल्ली से चाकू लेके सब्जी लेके सब्जी काटती है। मतलब उनको खड़े होके काम करना थोड़ा सा सहज नहीं लगता। इसी प्रकार से यदि ये कहीं जाएं और इनको कोई बैठने को ना बोले तो इनमें एक व्याकुलता, एक इरिटेशन बढ़ता जाता है और कभी कभी ये इस वजह से भड़क भी जाते हैं। तो ये एक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों का एक स्पेशल फीचर होता है। स्टैंडिंग किचन्स हैं तो ये कॉन्सेप्ट ही इनको बहुत अजीब सा लगता है कि भाई खड़े होके कौन सा खाना बनाया जाता है, खाना तो बैठ के ही बनाया जाता है आराम से तसल्ली से। बाथरूम में नहाते भी हैं तो शॉवर की अपेक्षा बैठ के नहाना पसंद करते हैं, तो बैठने में इनको ज़्यादा आराम महसूस होता है। तो ये तो ही इसके शेप के अकॉर्डिंग इसकी बात। इसका जो स्वामी है, जो नक्षत्र का जो स्वामी देवता है वो है अरेमा। अरेमा एक्चुअली सूर्य का ही एक पर्यायवाची है, एक दूसरा नाम है, और इसका मतलब होता है जी लगाना, किसी चीज़ को रेस्पेक्ट देना। तो ऐसे लोगों को जी हुजूरी बहुत पसंद होती है, वो चाहते हैं लोग इनकी काफ़ी तारीफ करें, इनके काम की सराहना करें, और यदि ऐसा ना हो तो ये लोग थोड़ा सा अंदर से विचलित हो जाते हैं, थोड़ा परेशान से हो जाते हैं। और इसी वजह से इन लोगों में एक श्रेष्ठता, एक परफेक्शन पाया जाता है, क्योंकि मेहनत करते हैं अपने काम में परफेक्शन लाने के लिए, और इस श्रेष्ठता के गुण के कारण लोग इनकी अक्सर तारीफ भी किया करते हैं। और इसके अलावा इनमें एक खास बात पाई जाती है कि क्योंकि इनके काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है तो
जो ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति होता है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, तो वो इनकी तरफ आकर्षित होता है, इनको सराहता है। ये सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं, मतलब किसी भी महफिल में जाएंगे, किसी भी पार्टी में, बर्थडे पार्टी हो शादी ब्याह में हो, तो ये वहाँ छा जाते हैं। लोगों से हंस मिल के बात करना, उनसे घुल मिल जाना, इस प्रकार के गुण इनमें देखने में आते हैं। दूसरा, इस नक्षत्र का जो स्पैन है वो सिंह राशि के 26 डिग्री 40 मिनट से कन्या राशि के 10 मिनट तक होता है, 10 डिग्री तक होता है। तो अगर इसके 3 चरण कन्या राशि में पड़ते हों तो इन लोगों में थोड़ा स्त्रीपना भी आ जाता है, थोड़ा सा फेमिनिन टच भी इन लोगों में आता है। इस वजह से इनमें बनना संवरना, ज़्यादा बतियाना, ज़्यादा चटक कपड़े पहनना, थोड़ा अपने आप को साज श्रृंगार करके रखना, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ इन लोगों में पाई जाती है। और इसके अलावा इनको ऑटोमोबाइल्स की तरफ काफ़ी रुझान होता है, काफ़ी बड़े बड़े वाहनों में घूमने का शौक हो गया, या ऑटोमोबाइल्स की जानकारी रखना हो गया, इस प्रकार के शौक इन लोगों के अक्सर पाए जाते हैं। और इन लोगों में गीत संगीत, म्यूज़िक और डांस और ललित कलाओं, फाइन आर्ट्स के प्रति भी एक नेचुरल रुझान पाया जाता है। तो ये तो थी कुछ बातें उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के बारे में, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। तो अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, जब तक कि मैं अपना अगला नक्षत्र जो कि हस्त होगा उसके विषय में जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।